चार आदमियों की जरूरत नहीं है मुझे। सुन ले, अकेला काशी ही काफी है मुझे कंधा देने के लिए। जिन लोगों पर तुमने हाथ उठाया है ना, वो कातिया के आदमी है, कातिया के। बीच बाजार में काट देता है वो आदमी। ये तुम्हारे बनारस का चौक नहीं है। हाँ जानता हूँ, ना मर्दों का शहर है ये। बीच बाजार में एक औरत को घसीटा जाता है, मारा जाता है, बस खड़े होकर तमाशा देखो। जो मदद करे वो गधा, बेवकूफ। तो कौन सा तीर मारा तुमने, क्या किया तुमने है? आज तुम बीच में पड़ गए, लेकिन कल वो उसे दोबारा मारेंगे तो फिर मारूंगा। मैं फिर मारूंगा उन्हें। अगर मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा तो मैं फिर मारूंगा उन्हें। मैं नहीं देख सकता ये सब कुछ, नहीं देख सकता। काशी, अगर बाजार में भाभी का कोई हाथ पकड़ ले तब भी आप मुझसे यही कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार देंगे ना मुझे। मार जाऊंगा, लेकिन बाबूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। भैया आप नहीं जानते कि डॉक्टर साहब ने कहा है बाबूजी को गले का क्या है? कोई सगा लगता है बाबूजी का क्या? मैं बेटा हूं उनका, मैं, मुझे भी चिंता है उनकी। काशी देख, तू समझने की कोशिश कर। तेरे यहां रहने से हम सबको खतरा है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तू पिताजी की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा उन्हें। तू ऐसा कर, तू ये पैसे रख ले, यहां से सुबह सुबह ट्रेन जाती है, तू उसी में चला जा। तेरा यहां रहना ठीक नहीं है, मैं चलता हूं। ये जानते हुए भी कि काशी की जान को खतरा है, तू उसे वहां अकेला छोड़ाया इस अजनबी शहर में? तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या, बुजदिल कहीं का? अरे वो तेरा सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ, भाई से भी बढ़कर है वो। तुझ पर जान छिड़कता है, तुझसे अच्छा तो वो है। जब तू यहां चला आया था ना कुछ बनने के लिए, तब उसने देखा था मुझे वहां। एक बेटे के सारे फर्ज निभाए थे उसने। खरा सोना है मेरा बेटा काशी, खरा सोना। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा अपने काशी के पास, वहीं जाके दम तोड़ूंगा। चार आदमियों की जरूरत नहीं है मुझे, सुन ले, अकेला काशी ही काफी है मुझे कंधा देने के लिए। अरे बुत बनकर कब तक बैठा रहेगा, मुन्ना को कौन लेकर आएगा? वो लोग कह गए हैं कि मुन्ना को ले जाने के लिए पहले काशी को लेकर आओ। तेरा भाई काशी तो यहां है नहीं, तो मुन्ना कैसे आएगा? अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो? भोलेनाथ, भोलेनाथ तेरी हमेशा कृपा रही है हम पर। ठीक है, बच्चा मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अकरम खान पख्तूनी से लड़ना पड़ेगा। मुन्ना के लिए मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूं।